नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व शिक्षक दिवस पर सम्मानित होंगे प्रदेश के 17 शिक्षक। पीटरहॉफ में आयोजित होगा कार्यक्रम। वोकेशनल शिक्षकों के लिए बनाई जाएगी स्थायी नीति। बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर। हिमाचल में कोरोना से 2 मौतें, 36 नए मामले, 154 हुए रिकवर। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ। राठौर बोले, इनके हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और धमकियां देने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। कोरोना के चलते ऑनलाइन होगा धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 29 से 4 नवंबर तक होगा आयोजन। मां चिंतपूर्णी के दरबार में 8000 ने नवाया शीश। तैयारियों में नाकाम दिखा प्रशासन। हाथरस की मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग। रामपुर बुशहर में ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें। कभी शराब पी कर गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। टू व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को प्रदेश भर के 17 शिक्षक सम्मानित होंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिक्षकों को यह सम्मान प्रदान करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। पीटरहॉफ में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और शिक्षकों के लिए भी भविष्य में स्थायी नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के करीब 900 स्कूलों में 7000 वोकेशनल शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी के तहत इन शिक्षकों को आउटसोर्स पर तैनात किया गया है। कोरोना वायरस ने रविवार को 2 लोगों की जान ली है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 207 पहुँच गया है। रविवार को कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,731 हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 3,172 है और कोरोना वायरस से पीड़ित हुए 12,327 ने रिकवर किया है। किसान मिलों के विरोध में कांग्रेस 5 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी अन्नदाता किसान संवाद का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत नए कृषि व श्रमिक कानूनों के दुष्प्रभाव के बारे में किसानों के विचारों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को शिमला संसदीय क्षेत्र के पांवटा साहिब में, 6 को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर के कंदरौर में, 7 को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के शाहपुर में किसान जनचेतना यात्राओं का आयोजन होगा, जबकि 10 अक्टूबर को मंडी के विपाशा सदन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है, देश के किसानों के साथ शोषण किसी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र द्वारा पारित नए कृषि व श्रमिक कानून के खिलाफ कांग्रेस एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और इनके हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी। पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के अधीन पड़ते एक गाँव के व्यक्ति के खिलाफ महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया है। थाना इंदौरा के प्रभारी सुरेंद्र सिंह धीमान के अनुसार, मंड क्षेत्र के एक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला डॉक्टर ने पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा में शिकायत पत्र दिया कि उलेहड़िया गांव का एक व्यक्ति काफी दिनों से उसका पीछा करता है, साथ ही धमकियां भी देता है। महिला ने बताया, अब आरोपी स्कूटी लेकर उसका पीछा करने लगा है। महिला डॉक्टर के बयानों के आधार पर केवल कृष्ण उर्फ कैलू पुत्र विशन दास निवासी उल्लेहड़िया थाना इंदौरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर लिखे जाने तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन होगा। इस बार DIFF का 9वां एडिशन है, जो कि 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता आसिफ कपाड़िया, निर्माता गुनीत मोंगा और अभिनेता आदिल हुसैन डिफ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स का हिस्सा होंगे।
डीआईएफएफ के निदेशक ऋतु सरीन का कहना है, डीआईएफएफ को ऑनलाइन लेने का निर्णय आसान नहीं था, लेकिन हमने फैसला किया कि हमें डीआईएफएफ को डिजिटल रूप से चालू रखना है। इससे न केवल फिल्म निर्माताओं को एक मंच मिलता है, बल्कि दर्शक भी हमसे जुड़ते हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां चिंतपूर्णी के दरबार में रविवार को करीब 8,000 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर खुलने के तीसरे रविवार को भी प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में काफी हद तक नाकामयाब साबित हुआ। रविवार सुबह से ही मंदिर में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक श्रद्धालुओं की लाइनें काफी लंबी चली गई। भरवाई नायब तहसीलदार ने 2 दिन पहले ही मंदिर अधिकारी का जिम्मा संभाला था, जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखने भरसक प्रयास किया। भीड़ होने के चलते बाजार में रौनक देखी गई, वहीं दुकानदारों के चेहरों पर काफी उत्साह देखने में मिला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुस्सा है। ग्रामीण हाथरस की मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में रामपुर बुशहर में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धज्जियां उड़ने की भी बात कही। नारायण पंचायत के युवक पवन चौहान ने कहा, यूपी में हुई घटना एक दुखद घटना है। जिन भी अधिकारियों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।